एक्टर परफॉर्मेंस से अपनी नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड अपनी दिखा देता है। और ये जब जब नेगेटिव करते हैं मेरे दिल में, आई लव टू हेट हिम। रियल लाइफ में जो इंसान है ना, इतने पॉजिटिव, ऐसा लगता है कि भगवान बुद्धा खड़े हैं। मैं एज अ वाइफ चाहती हूँ लवी डवी सिर्फ मेरे साथ ही रहेंगे। और जब इस तरह का इंसान एकदम एकदम ऑपोजिट रोल करता है ना, तो वो जो करता है। स्वागत है आप दोनों का डेली चक्कर पर। सबसे पहले तो किन्नरी मैम के यहाँ पर आए हैं गणपति के लिए, क्या कुछ विशेष, क्या कुछ आई नो विशेष बताए नहीं जाते, पर कुछ तो एक होता है ना। देखिए अभी जिस हिसाब से हमारी शुरुआत हो रही है किन्नरी मैम के साथ में, जय मेहता सर के साथ में, हमारा नया शो आ रहा है, तो बस बप्पा से यही दुआ मांगते हैं कि शो सबको बहुत पसंद आए, और जो जिस मेहनत के साथ में, जिस उम्मीद के साथ में शो शुरू हो रहा है, उस कामयाब हो। नई जो डोर बन रही है आप लोगों के बीच में, अगर मैं कहूँ तो शो का नाम भी वैसा ही कुछ है, टेल अस समथिंग अबाउट योर कैरेक्टर, क्या ये पॉजिटिव होगा, ग्रे होगा, क्योंकि हमने आपके दोनों किरदारों देख चुके हैं, सो अब हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। देखिए वैसे तो एक्टर परफॉर्मेंस से अपनी नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड अपनी दिखा देता है, बट हाँ शो में मैं मेन एंटागनिस्ट हूँ, और आपको बहुत जल्द नज़र आएगा कुछ नया रूप, और मज़ा आएगा काफ़ी देख करके। आप एज अ वाइफ इन्हें किन किरदारों में देखना पसंद करते हैं, वो जो पहले इनिशियली वो जो भोले मासूम हैंडसम लवी डवी बॉय थे वो, या आजकल जो अभी विलन कर रहे हैं वो? मैं एज अ वाइफ चाहती हूँ लवी डवी सिर्फ मेरे साथ ही रहेंगे। हाँ मुझे इनको सच में विलन के रूप में देखना इतना भाता है, इतना मज़ा आता है, बिकॉज ये रियल लाइफ में जो इंसान है ना, इतने पॉजिटिव, ऐसा लगता है कि भगवान बुद्धा खड़े हैं। ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज पॉजिटिव। और जब इस तरह का इंसान एकदम एकदम ऑपोजिट रोल करता है ना, तो वो जो करता है। और ये जब जब नेगेटिव करते हैं मेरे दिल में, आई लव टू हेट हिम, कुछ इस तरह की फीलिंग होती है। अच्छा, और गणपति हैं तो कहते हैं ना लॉर्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग, गणपति इज द लॉर्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग, तो नई बिगिनिंग है, नया शुभारंभ है जय मेहता प्रोडक्शन में नए शो के साथ, तो गणपति बप्पा मौर्या। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।